हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवन का साइंस का चैप्टर नंबर फाइव एसिड बेस और सॉल्ट का नेक्स्ट जो पोर्शन है चैप्टर का उसको डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने जो एसिड है उसकी डेफिनेशन, जो कॉमन एसिड्स होते हैं उनकी टेबल और उनके यूजेज के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बेस का डिस्कस करेंगे, बेस के बारे में डिस्कशन होगा जिसमें बेस की डेफिनेशन होगी और जो कॉमन बेसिस देखे जाते हैं डेली लाइफ में उनके नेम, उनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और वो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर ये मिलते हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले बेस की डेफिनेशन क्या होती है। The substance which have a bitter taste and feel slippery are known as base. ऐसे substances जिनका taste जो होता है वो bitter होता है, कड़वा taste होता है, साथ ही साथ अगर उनको आप अंगुलियों में पकड़े तो वो slip हो जाते हैं, चिकने होते हैं, slippery होते हैं। इन सभी substances को जो है base के नाम से जाना जाता है। These are known as base. The nature of such substances is said to be basic. अगर जितने भी बेस है तो उनकी नेचर भी कैसी होगी, बेसिक होगी। अब कुछ कॉमन बेस हैं उनके नाम हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, Na मीन सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, तो हो गया केमिकल फॉर्मूला हो गया इसका NaOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कौन से प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, तो सोप, साबुन होती है वो, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सोप का टेस्ट कैसा होता है, वो कड़वा होता है और वो उसको अगर अपने हाथ से छूते हैं तो वो स्लिपरी नेचर उसकी होती है क्योंकि उसके अंदर बेस काम में आया हुआ है। और जो कॉमन बेस जो सोप के अंदर यूज होता है उसका नाम है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर टू बेस जो है वो है अपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा KOH। K मीन्स पोटेशियम होता है और OH हो गया हाइड्रोक्साइड। हाँ, हाइड्रोक्साइड OH की वजह से ही बेस है। अब इसका ये कहाँ कहाँ मिलता है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है डेली लाइफ का जिसमें हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखने को मिलता है, तो वह है लिक्विड सोप। अभी हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जो सॉलिड वाली सोप आती है साबुन कपड़े धोने वाला, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। लेकिन जो लिक्विड सोप आते हैं बर्तन धोने वगैरह के, उनमें कौन सा बेस यूज किया जाता है, उसमें बेस यूज किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नेक्स्ट कॉमन बेस है उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। Ca मीन्स कैल्शियम और OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें कौन से डेली लाइफ प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, तो वो है लाइम वाटर। लाइम वाटर चूने का जो पानी होता है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नंबर फोर जो कॉमन बेस है उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH2। Mg means मैग्नीशियम और OH यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है कौन से डेली लाइफ प्रोडक्ट में पाया जाता है, तो मिल्क और मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का लिक्विड होता है जो कि सफेद एकदम दूध के जैसा होता है, इसलिए इस मैग्नीशियम के दूध का नाम पड़ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक वाइट लिक्विड आता है जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज किया जाता है।
नंबर फाइव कॉमन गैस है उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4OH, NH4 मींस अमोनिया और OH हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन से ऐसे डेली लाइफ के प्रोडक्ट में भी देखने को मिलता है, तो इसका यूज होता है विंडो क्लीनर सॉल्यूशन, विंडो क्लीनर सॉल्यूशन जैसे अपने खिड़कियों के कांच है या फिर गाड़ी का कांच है उसको क्लीन करने के लिए जो नीले कलर का सॉल्यूशन आता है उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है। तो ये कुछ कॉमन बेसिस के बारे में, उनके केमिकल फॉर्मूला और कौन से ऐसे डेली लाइफ के प्रोडक्ट है जिनमें इनका यूज होता है उनके बारे में हमने पढ़ा, साथ ही साथ बेस की डेफिनेशन क्या होती है और बेस की नेचर कैसी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे और बाकी का पोर्शन जो है चैप्टर का उसको डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही वीडियो देखो एक बार दो बार तीन बार देखो, पेपर पे उतार लो इन फॉर्मूलाज को, इनके नेम कॉमन नेम है, केमिकल नेम है और कौन से डेली के जो लाइफ के प्रोडक्ट है उनमें ये मिलते हैं यूज किए जाते हैं, तो आप लर्न करेंगे।